तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कोर्ट में सुनवाई हुई मोरेटोरियम 3 के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट में बहुत सारे वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग वकील साहब थे, उन्होंने कोर्ट के सामने बात रखी। साथ ही उनकी बात सुनकर जज साहब का भी रिएक्शन काफ़ी आया दोस्तों, और कोर्ट और आरबीआई और सरकार की तरफ से भी जो वकील साहब लोग पेश हुए उन्होंने भी अपनी बहुत सारी बात दी, दलीलें दी दोस्तों। लेकिन मैं आपको पेपर में लिखी हुई बातें नहीं बताऊँगा, जो ऑफिशियल क्या बातचीत हुई, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया बातचीत करते समय और क्या क्या रिएक्शन रहा, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाऊंगा। न आप बोलते हो कि भैया कोई कोई एक दो आदमी है जो बोल रहे हैं कि एक शब्द में बता मोरेटोरियम बढ़ा कि नहीं। दोस्तों ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए अपनी अपनी समस्या है। जैसा कि कोर्ट में बातचीत हुई और सभी सेक्टर ने अपनी अपनी बातें बताई और जज साहब ने भी सभी सेक्टर के लिए अलग अलग अपना रवैया इख्तियार किया उन्होंने, क्योंकि जैसी दलील पेश की जा रही है वैसे ही जज साहब भी अपनी बातें कर रहे। तो दोस्तों फैसला आप लोग को करना है कि आपको बैंक में जाते समय किस तरह बात करनी है, या अपने लोन का EMI के लिए जहां से आपने बजाज फाइनेंस है या कहीं से भी आपने लोन ले रखा है, अगर वहां बात करने जाते हैं तो लोन मोरेटोरियम के लिए जो 2 साल की राहत दे रखी है वो किस सेक्टर में किस तरह दे रखी है वो आपको पता होगा, तभी आप बात कर पाओगे। चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या बातचीत हुई कोर्ट में और किस तरह नतीजे पे पहुंची सरकार। आगे बढ़ूं उससे पहले जरूर बताऊंगा, एक बार वीडियो पूरा देखना, देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, डिसलाइक करके कमेंट में लिखना कि पसंद क्यों नहीं आया, पसंद आए तब भी लिखना दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। 2 बजे का टाइम था दोस्तों कोर्ट शुरू होने का, 2:08 पे बेंच बैठी दोस्तों, बेंच असेंबल्ड हो गई। सोलिसिटर जनरल बिगेंस हिज सबमिशन, जो सोलिसिटर जनरल है वो अपनी बात कहने लगे दोस्तों। उन्होंने क्या बात की, कुछ बातें मैं स्किप कर दूंगा, देखिए आपको बताते जाऊंगा। उन्होंने कहा SG ने, सोलिसिटर जनरल, नॉट टेकिंग एन एडवर्सियल रोल हियर एज ए नेशन, इट वॉज एन ईजियर ऑप्शन टू राइट ऑफ इंटरेस्ट, बट दैट्स नॉट एन इफेक्टिव वे टू रिवाइव इकोनॉमी वी चूज टू कीप अलाइव एज मेनी ए अदर नेशन हैज डन। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपने बात की शुरुआत की, एज ए नेशन, देश होने के नाते, राष्ट्र होने के नाते बहुत ही आसान था कि राइट ऑफ कर दिया जाए इंटरेस्ट को, लेकिन इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए ये कोई उपाय नहीं है। हमें इकोनॉमी को जिंदा रखना है, साथ ही साथ देश को भी जिंदा रखना है। सोलिसिटर साहब ने सबसे पहले यही बात कही। बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद उन्होंने कहा बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो ए सेक्टर दैट नीड्स टू बी स्टेबलाइज। अभी मैंने जैसे बताया सभी सेक्टर्स ने अपनी अपनी बात रखी कि हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो सोलिसिटर जनरल ने ये भी बोला कि बैंकिंग सेक्टर भी एक सेक्टर ही है दोस्तों, जिसको भी जरूरत है बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी राहत की। SG ने फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड डिफर्स ऑन एवरी सेक्टर, उन्होंने खुद कबूला कि कोविड का जो असर है सभी सेक्टर पे अलग अलग है। द टर्नओवर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन हैज बीन एक्सटेंडेड, अच्छा ये तो बात आप जानते हो, 3 महीने के लिए पहले बढ़ा दिया गया है। SG साहब ने ये कहा 2:15 पर, लगातार बातें बोली जा रही थी। द मेथोलॉजी एडॉप्टेड वाज फॉर रिडक्शन ऑफ इमीडिएट प्रेशर ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रिसेलेक्ट ऑल सेक्टर्स एंड रिस्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड एसेट। अब ये जो मेथोलॉजी अपनाया गया था वो किस लिए अपनाया गया था, जो प्रेशर बना हुआ है पेमेंट का, इंस्टॉलमेंट का, मतलब जो मोरेटोरियम बढ़ाया गया था 31 अगस्त वो इसलिए बढ़ाया गया था कि पेमेंट का इंस्टॉलमेंट को कम किया जा सके, उसका प्रेशर जो कम किया जा सके, सेक्टर को अपने ऊपर निर्भर हुआ जा सके, और साथ ही साथ दोस्तों जो एसेट्स है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सके, इसलिए मोरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ाया हुआ था, इसका मतलब माफ़ी नहीं था। SG नाउ रीड्स द RBI गवर्नर्स स्टेटमेंट एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू COVID-19। अब उसके बाद सोलिसिटर जनरल ने पूरी RBI की स्टेटमेंट पढ़ी। व्हेन एन अकाउंट बिकम्स NPA इट हैपेंस व्हेन वन फेल्स टू फॉर पे फॉर 90 डे, द फ्रीजिंग पीरियड ऑफ मोरेटोरियम स्टैंड एक्सक्लूडेड। अब उन्होंने समझाने की कोशिश की जज साहब को कि कोई भी अकाउंट है वो NPA होने के लिए उसको 90 दिन चाहिए, अगर कोई 90 दिन तक अकाउंट में पैसे नहीं भरता है तो ही अकाउंट NPA होता है, और जो मोरेटोरियम का पीरियड दिया हुआ था 31 अगस्त तक, उस समय का पीरियड पूरा का पूरा NPA में नहीं गिना जाएगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ इनके कहने का मतलब ये है सोलिसिटर जनरल का, जो 3 महीने का पीरियड गिना जाएगा NPA अकाउंट होने के लिए, किसी भी लोन को रीपेमेंट होने के लिए अगर वो अकाउंट में पैसे नहीं भरते हैं तो कम से कम 3 महीने चाहिए, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हालांकि उन्होंने यहां पे महीना नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इनके कहने का मतलब यही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक अगर कोई पैसा नहीं भरता है
तो ही अकाउंट एनपीए होगा, लोन अकाउंट एनपीए होगा, ये इनका कहना था। देखिए उसके बाद उन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, दिस मीन्स इफ वन डज नॉट पे एज ऑन 31 अगस्त द अकाउंट इन डिफॉल्ट डज नॉट बिकम एनपीए अंटिल 3 मंथ्स आफ्टर, मतलब 3 महीने बाद तक हुआ एनपीए नहीं होगा, 3 महीने बाद ही होगा, 3 महीने तक एनपीए नहीं होगा। देखिए सब बातें कही है, इसको स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे नॉन ऑफ द सर्कुलर्स आर अंडर चैलेंज सो नॉट ऑन देयर वैलिडिटी, आई एम ओनली पॉइंटिंग आउट डेट वी टुक दिस मेजर एज दे वेर मोर फाइनेंशियली प्रूडेंट, हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अब जस्टिस भूषण साहब ने क्या कहा उन्होंने इतनी बात सुनने के बाद, ऑल मेजर्स ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी बाय आरबीआई, However, Union has not taken any measure under disaster management. We will not examine under 32 whether measure suitable. Question is, did the Union operate within the legal framework? Question क्या है कि जो DMA है Disaster Management Act के तहत सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि ये disaster घोषित हो चुका है, disaster ही है। उसके बाद Justice Bhushan साहब ने फिर कहा, their argument is that all sectors were affected differently. Has mind been applied with regard to the issue of mitigating the इशू फॉर दो सेक्टर विच हैव सफर्ड, तो क्या जो सेक्टर सफर्ड है उनके लिए कुछ किया गया था अलग से? अब उसके बाद सोलिसिटर जनरल का, बैंक्स फुली एम्पावर टू रिजोल्व 90 स्ट्रेस, ये लोन वोन बैंक के पास पूरी पावर थी, बैंक ने पूरे अधिकार दे रखे थे इंटरेस्ट को कम करने के लिए, लोन का टेनर बढ़ाने के लिए, विद और विदाउट मोरेटोरियम देना चाहे या ना देना चाहे 2 साल के लिए। कहने का मतलब है बैंक को पूरा अधिकार है वो किसको 2 साल तक मोरेटोरियम देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, किसका वेव जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो वेव हो यानी माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये सोलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि ये पूरा बैंक को अधिकार है। यही सब बातें समझाते समझाते इन्होंने खुद कहा, फिर बैंक्स कैन अडॉप्ट देयर ओन मेजर्स टू एलिविएट देयर पर्टिकुलर क्लास ऑफ बोरोवर्स, बैंक खुद डिसाइड करे कि किस बोरोवर को ज़रूरत है और किस बोरोवर को ज़रूरत नहीं है मोरेटोरियम की। और उन्होंने गाइडलाइन भी दे दी, 6 सितंबर को एक्सपर्ट कमेटी आएगी जो कि पब्लिक में जाहिर करेगी, गाइडलाइन जाहिर करेगी, डिक्लेयर करेगी कि किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको ज़रूरत है और किसको नहीं। इसके बाद सालवे साहब ने कहा, मैंने चेयरमैन से बात की, बैंक के चेयरमैन से, कि उन्होंने कौन से मेजर कौन सी चीज़ें अपनाई हुई है इस सब को रोकने के लिए। एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे अलग प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने एक कॉमन मैन जिन्होंने अपनी जॉब खोई या अपना कार गुम किया, मतलब कार खो दिया, कार खोने का मतलब कार लोन ले रखा था, कार भी जब्त हो गई, मतलब छोटी छोटे इन्होंने बात की सालवे साहब ने, छोटे छोटे आदमियों की बात यहाँ पर की। और इन्होंने दोस्तों बहुत ही जोर देके कहा, सभी की प्रॉब्लम अलग है, कॉरपोरेट की प्रॉब्लम अलग है, कॉमन मैन की प्रॉब्लम अलग है। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं बोरोवर को, बोरोवर मतलब जो उधार ले रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन वाले हुए, हाउसिंग लोन वाले हुए, मिडिल क्लास वाले ये सब लेते हैं एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन लेते हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, एमएसएमई वाला लोन लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, समझ गए आप लोग, तो इनको भी रिलीफ कैन बी प्रोवाइडेड, इनको रिलीफ देना चाहिए, सब कुछ इनको भी देना चाहिए, इनको देना ही चाहिए, ऐसा कहना है सालवे साहब का। ये वो लोग हैं, ये वो कॉमन मैन हैं जिनका फाइनेंशियल बैकबोन नहीं है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आर डिफर इशू एंड नीड टू बी टैकल डिफरेंटली, जो इंडस्ट्री है वो सब बिल्कुल डिफरेंट, उसमें जो प्रॉब्लम आई है बिल्कुल अलग है और उसको अलग तरह से देखना चाहिए और अलग तरह से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। उसके बाद सोलिसिटर जनरल ने समझाने की कोशिश की, अगर बैंक मेरा, अपने ऊपर एग्जांपल लेकर कहा, अगर बैंक मेरा लोन रिस्ट्रक्चर नहीं करता है तो भी मेरे पास नवंबर वक्त 1 तक का टाइम है कि मैं अपने अकाउंट को जिंदा रख सकूं, मतलब नवंबर 1 तक, मतलब 31 अक्टूबर तक मेरा अकाउंट जो है एनपीए नहीं होगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद 2:57 पे जजों की बेंच ने ये बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मामला है, जो कल आप लोग बोल रहे थे मोरेटोरियम और पेनल इंटरेस्ट कैन नॉट गो टुगेदर एट ऑल, मतलब कि मोरेटोरियम पीरियड और पेनल इंटरेस्ट दोनों को हम साथ में लागू नहीं कर सकते, आरबीआई हैज़ टू क्लेरिफाई दिस एंड वेदर द पेनल चार्जेस विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग मोरेटोरियम। तो दोस्तों अगर मोरेटोरियम दिया हुआ था तो पेनल इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, ये बेंच का कहना है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे ही यहाँ पे कहा गया है, जैसे बातचीत हो रही है मैं बता रहा हूँ, आप लोग को भी पता चल ही रहा होगा कि बिल्कुल किस तरह बातचीत हो रही है और किस तरह कोर्ट में दलील पेश की जा रही है। इतनी सारी जिरह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट प्रपोज टू टेक अप द हियरिंग नेक्स्ट वीक,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट वीक में हम ये हियरिंग्स के बारे में कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस भूषण साहब ने कहा नो अकाउंट विल बी एनपीए फॉर 2 मंथ्स एंड द बैंक शुड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट बोरोवर विच इज करेक्टिव, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, नो वन इज टेकिंग एनी एक्शन। देखिए ध्यान रहे, सालवे साहब बोल रहे नो वन इज टेकिंग एनी एक्शन, आपके पास फोन भी आ रहे होंगे, आपके पास प्रेशर भी आ रहा होगा कि ये करिए वो करिए ये वो हो, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखना। तो यहाँ पे इन्होंने कोर्ट में क्लियर कट कहा नो वन इज टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन कोई भी बैंक नहीं ले रही है या कोई भी बाउंसर नहीं लेगा। और यहाँ पे जस्टिस भूषण साहब ने कहा दोस्तों कि 2 महीने तक कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं हो रहा है तो बैंक को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिन्होंने लोन लिया है उनके खिलाफ, क्लियर कट यहाँ पे बात की है। तो उसके बाद सालवे साहब ने कहा नो वन इज टेकिंग एनी एक्शन, क्लियर कट बता दिए। उसके बाद ये बात हुई 3:33 पे, उसके बाद 3:34 पे सालवे साहब खुद बोल रहे हैं प्लीज डोंट पास एनी ब्लैंकेट ऑर्डर्स कैन क्रिएट स्नोबॉलिंग इफेक्ट, काउंसिल फॉर पिटीशन सेज दैट द पेटिशनर बी प्रोटेक्टेड। आगे देखिए 3:34 के बाद क्या हुआ, 3:35 पे बेंच डिटेक्टिंग ऑर्डर, बेंच ऑर्डर सुनाते हुए अकाउंट्स नॉट डिक्लेयर एनपीए एज ऑन 31 अगस्त नॉट टू बी डिक्लेयर एनपीए फॉर 2 मंथ्स ऑर्डर सुना दिए। जो अकाउंट 31 अगस्त तक एनपीए नहीं थे वो अगले 2 महीने भी एनपीए नहीं होंगे, यानी अगर आप पैसे नहीं भरते हैं, बोरोवर पैसा नहीं भरता तो भी वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा अगले 2 महीने तक। जज साहब का फैसला है बेंच का, सुप्रीम कोर्ट टू रिकमेंस हियरिंग ऑन 10 सितंबर और 10 तारीख को अगली हियरिंग होगी इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इतना फैसला सुनाते हुए बैंक जो है एडजर्न हो गई अगले ऑर्डर तक, अगला ऑर्डर है 10 सितंबर को होगी दोस्तों सुनवाई इसकी। लेकिन क्लियर कट कर दिया कि बैंक जो है 31 अगस्त के तक जो अकाउंट एनपीए नहीं थे, जिन्होंने लोन ले रखा था रेगुलर भी अपना इंस्टॉलमेंट भर रहे थे, उन अकाउंट को एनपीए नहीं करना है, उनका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं करना है, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। ये सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर तक कोर्ट को एडजर्न कर दिया। आप लोग वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो शेयर करेंगे उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।